हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम और पहला कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू कुमाऊनी फैमिली व्लॉग्स। तो आज हो गया है ट्यूसडे और आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दोपहर के 12 बजे से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ब्रेकफास्ट किया है, क्योंकि आज लेट हो गया था थोड़ा सा, क्योंकि आज मैंने वॉशरूम वगैरह सब क्लीन किया और हेयर वॉश भी करना था, तो बहुत टाइम लग गया। फिर और पूजा करने के बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करके मैं आई हूँ और आलू की सब्ज़ी बना दी है और मिक्स दाल बना रही हूँ। दाल बॉईल कर दी है, अभी थोड़ी देर में उसमें तड़का लगाऊंगी और 2-3 रोटियाँ बनाऊंगी और थोड़ा सा राइस बना लूँगी। और नौमी आएगा 2:30 पे, उससे ना वैसे तो उसकी 1:30 पे छुट्टी हो जाती है, बट तो काफ़ी सारे बच्चे हैं तो उनको छोड़ते छोड़ते वैन आती है, तो 2:30 हो जाते हैं उसको आने में। और फिर आके उसका यही रहता है कि मतलब चेंज करने में बहुत टाइम लगा देता है, हाथ मुंह धोने में बहुत टाइम लगा देता है। तो ऐसा करते करते फिर वो 3 साढ़े 3 तो वैसे ही बजा देता है। फिर उसके बाद सुलाती हूँ उसे, थोड़ी देर सो जाता है आजकल। फिर आपको पता ही है, फिर वो शाम को ड्राइंग क्लास जाता है। और आज उसकी फ्रेंड है ना शैली, उसका बर्थडे है, तो उसे शाम को उसकी बर्थडे पार्टी में भी जाना है। और उसकी फ्रेंड का कल रात ही उसके पास वीडियो कॉल आया था कि बर्थडे में आना है करके। और शैली की मम्मा ने भी मेरे को बुलाया है, बोल रही थी कि तुम भी ज़रूर आना। मैंने तो बोला उनको कि नहीं, आप बच्चों का कर लो, मुझे रहने दो, हम कभी फिर बैठ के चाय वाय पी लेंगे। पर उन्होंने इतनी ज़्यादा ज़िद करी कि नहीं नहीं आना है। तो अब देखती हूँ, शाम को पहले तो नौमी को भेज दूँगी, थोड़ी देर में फिर मैं भी चली जाऊँगी। और मैं उसके लिए गिफ्ट भी लेके आई हूँ और अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं शैली के लिए क्या गिफ्ट लेके आई हूँ। और पैक नहीं किया मैंने, क्योंकि मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं उसके लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ। और तो उसकी रैपिंग शीट लेके आई हूँ, अभी पैक करूँगी तो आपको भी दिखाऊँगी बस। और बाकी सारे काम मेरे हो गए हैं। हाउस हेल्पर अभी झाड़ू पोछा कर रही है और मैंने सोचा कि जल्दी से मैं व्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। आजकल ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, सुबह के टाइम में तो ऐसे बहुत हौच-पौच हो जा रही है, तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। और मैंने ना कल आप सभी के साथ अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग शेयर की थी, तो उसमें ना एक बैग छूट गया था, क्योंकि हम लोग जब परसों सामान लेके आए थे तो 2 बैग बाहर वाले रूम में ही पड़ा था, पर एक बैग मम्मी ने उठा के मंदिर वाले रूम में रख दिया था, तो वो बैग छूट गया। पर उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा सामान नहीं था। हस्बैंड के लिए एक टॉवल लेके आए थे और बाकी आटा चावल और शुगर लेके आए थे, तो वो क्या ही दिखाना, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो चलिए अभी मुझे गिफ्ट पैक करना है, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं शैली के लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ और उसे रैप करते हैं। तो अभी मैं लेके आ गई हूँ ये गिफ्ट, और मैंने नौमी की फ्रेंड के लिए लिया है ये क्यूट सा बैग, और ये कार शेप में। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और ये कुछ इस तरह से, इसको बहुत प्यारा लगा मुझे, देखते ही पसंद आ गया था। तो ट्रैवलिंग के लिए भी यूज हो सकता है, और जैसे कभी पिकनिक विकनिक गए ना तो वहाँ के लिए भी यूज हो सकता है। कुछ इस तरह से ये छोटा मोटा सामान ना, जैसे गार्डन वार्डन गए तो लेके जाने के लिए अच्छा रहता है। और एक लेके आई थी ये टिफिन, और ये है ग्लास है, ये ग्लास है, इसमें है ये लिड भी है इसकी, तो ये अच्छा लगा मुझे। कभी पिकनिक गए ना या फिर कभी कहीं घूमने उमने गए तो ये बैग और ये टिफिन और ये पानी पीने के लिए बहुत अच्छा है, और जूस वगैरह पानी पीने के लिए बहुत अच्छा है, तो उसके काम आ सकता है ये। और आई होप कि उसे पसंद आए। बस ये लेके आई हूँ, बस अब इसको इसमें रख के और मैं जल्दी से इसको पैक करती हूँ। और मैं इसके लिए ये रैपिंग शीट भी लेके आई हूँ, तो ये डॉल वाली रैपिंग शीट है। और मैंने वहाँ पे इसलिए पैक नहीं कराया ना, क्योंकि मैं आप सभी के साथ ये शेयर करना चाह रही थी। तो चलिए फटाफट से इसको रैप कर लेते हैं।
अभी मैंने ही पैक कर दिया है और पैकिंग भी मेरी पूरी हो गई है अब। और मैंने इसमें नाम भी लिख दिया है नौमिका, और बस अभी से मैं इस बैग में रख देती हूँ, इस वाले बैग में रख दूंगी। और नौमी को ना सिर्फ शाम को ही दिखाऊंगी, क्योंकि वो आके ना फिर पैकिंग खराब कर देगा, तो इससे अच्छा है कि जब वो बर्थडे में जाएगा ना तो मैं उसे तभी दे दूंगी। और चित तो चलिए अभी ये काम भी मेरा हो गया है, और अब दाल बॉईल कर दी है मैंने, तो दाल में तड़का भी लगाना है और 2-1 रोटियां भी बनानी है। तो फटाफट से मैं दाल में तड़का लगा लेती हूँ और रोटी भी बना लेती हूँ। अभी हमने लंच कर लिया है और नौमी को भी मैंने लंच करा दिया है, और नौमी अभी अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही है। उसकी फ्रेंड आई है शैली, जिसका बर्थडे है, तो दोनों खेल रहे हैं। अरे अरे अरे, डोंट फाइट, डोंट फाइट, इधर आओ इधर आओ, इधर आके खेले। इससे फाइट नहीं करते बिट्टू, आज शैली का बर्थडे। इन बच्चों का ना ऐसे चलता रहता है, ये देखो। आपने वो चेयर कैसी कर दी नौमी, देखो पीछे पूरा कवर हटा दिया आपने उसका। नौमी उसका कवर लगाओ बेटा। चली, आपने किस किस को बुलाया है बर्थडे में? नौमी, आर्यन, काबू, रुद्र, आयशा, हुरेन। हुरेन को भी? आयशा, अमायरा, अमायरा और पुरान और सानी। ओके, मेरे मम्मा को नहीं पता, दे दिया मैंने आपकी मम्मा को। अच्छा, तो फार्मर अच्छा, हेलो तो बोल दो सबको। पूरे तुम गोल ए देरे द फार्मर अकाउंट लिटोग्री जी मंडे 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 बट गो नथिंग स्टोरी डोंट बी ग्रेजी, मतलब लालच नहीं करना चाहिए। अच्छा सुनो, हवा में मार नहीं दे। अच्छा चलो, हेलो तो बोल दो, हेलो एवरीवन तो बोल दो से, वो हाथ कट जाता है। हेलो एवरीवन, तो अभी उठ गए सुबह के 5 और हम अभी सो रहे हैं, और अभी शैली आई थी, मैं उसके बर्थडे में जाऊंगा, उसके बर्थडे शाम को है, मतलब अभी है जब मैं उठूंगा, उठ के सर का बर्थडे बनाऊंगा। आज ड्राइंग क्लास नहीं जा रही हूँ। नहीं नहीं है बेटा, ड्राइंग क्लास 5 to 6 ड्राइंग क्लास है, एंड 6 to 8 नौ शैली के बर्थडे में पार्टी में जाना है। ठीक है, हाथ कट जाता मत करो उसको। तो चलिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने लंच भी कर लिया था, और नौमी की फ्रेंड आई थी अभी, 5-10 मिनट इन लोग खेला, उसके बाद अभी मैं नौमी को, वो चली गई है और मैं अभी नौमी को सुलाने आई हूँ। नौमी को 1-1.5 घंटा सुलाऊंगी, उसके बाद उसे उठा के वो नौमी क्लास जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? शैली के बर्थडे में। और आने जाओगे? अच्छा ठीक है, नौमी को मेरे को ले नहीं ले जाना है, और बाहर पापा भी, वैसे पापा है नहीं, बाको भी नहीं जाऊंगा, अकेले जाऊंगा लिफ्ट से। तो नौमी बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसकी मम्मा उसकी भी फ्रेंड के बर्थडे में आए, तो ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, आप ही चले जाना है ना। अभी सो जाए, अच्छा चलो अब सो जाए, ओके अब सो जाए। अभी नौमी को फटाफट से सुला देती है, उसके बाद आपसे मिलती हूँ सीधा शाम को।
एक बर्थडे में डाल रहा हूँ। हाँ, और आपने गिफ्ट रख लिया? ये देखो। हाँ, नौमी ने ये गिफ्ट भी रख लिया है शैली के लिए, और नौमी शैली के बर्थडे में जा रहा है, तो चले। बाय गाइस। स्टेयर्स से ही चलो। हाँ। अरे मैं वहां तक छोड़ के फिर आ जा रही हूँ। चलो फिर इनका ध्यान रखना। हेलो एवरीवन, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं नौमी को छोड़ के आ गई हूँ शैली के बर्थडे के लिए, और शैली की मम्मी ने बहुत जिद कर दी है कि नहीं नहीं आओ आओ करके। तो अभी जब मैं गई थी तब भी बोला उन्होंने कि ज़रूर आना करके, तो अभी मैं आ गई हूँ घर पे। वैसे बट अभी खाना बना लेती हूँ, हस्बैंड आ गए हैं, आज उनका फास्ट भी है तो जल्दी से दो सब्जियां बनानी है मुझे। मेथी की सब्जी बना रही हूँ एक, मेथी मैंने वॉश करके और काट के फिर मैं इसे ना एक बार बॉईल कर लेती हूँ, तो अभी मैंने इसे बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, और इसके बाद मैं तड़का लगा लूँगी। और एक आलू की सब्ज़ी बनती है व्रत पे, तो एक आलू की सब्ज़ी बना लूँगी और आटा गूंथ के फिर चली जाऊँगी। और अभी मैंने हस्बैंड के लिए चाय भी लगा दिया, तो उनको पहले चाय देते हैं और फटाफट से फिर डिनर बनाते हैं, और उसके बाद चलते हैं बर्थडे में। तो आपको भी दिखाऊंगी कि नीचे बच्चों की पार्टी कैसी चल रही है। Thank you.
to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. तो बस इस तरह से नौमी की फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ और खूब सारी मस्ती की बच्चों ने। और नौमी को तो आपने देखा ही होगा कि वो कितना खुश था अपनी फ्रेंड के बर्थडे को लेकर, और सबसे ज़्यादा एंजॉय और मस्ती उसी ने की क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे जो था। फिर उसके बाद नौमी को मिला बहुत प्यारा सा रिटर्न गिफ्ट जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और अब इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप बच्चों के साथ साथ आप सभी ने भी इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा, और अगर व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ बच्चों के लिए प्यारे प्यारे लाइक्स और कॉमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।